नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लखनऊ नगर निगम में आज सदन की बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महापौर सुषमा खरकवाल ने की। सदन के पहले ही दिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शहर में साफ सफाई तथा कूड़ा निस्तारण करने वाली रैम की कंपनी पर पार्षदों ने जमकर हमला बोला। इसी बीच कांग्रेस की महिला पार्षद ममता चौधरी ने व्यवस्थाओं को लेकर सदन के पटल पर जमकर हंगामा काटा। अब की बार के सदन में पूरे दिन सभी पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए, जिससे कई मुद्दों पर बहस नहीं हो पाई। 7 घंटे से ज्यादा चले सदन में पार्षदों ने अपने वार्ड के मुद्दे उठाए। ज्यादातर पार्षदों ने बिजली, पानी, सड़क और सफाई का मुद्दा उठाया। सपा कांग्रेस के साथ ही भाजपा पार्षदों ने भी नगर निगम को जमकर घेरा और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि आज की कार्यवाही में 35 पार्षदों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में लगातार पार्षद शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी के कामकाज को लेकर बीजेपी पार्षदों से खींचतान करते नजर आए। कुछ पार्षदों के आरोप यहां तक लगे कि लखनऊ में बांग्लादेश से आए लोग कूड़ा उठा रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं। और कुछ पार्षदों का कहना था कि रैम की कंपनी के पास खुद के कर्मचारी नहीं हैं, वह लेबर अड्डे से जाकर क्षेत्र की साफ सफाई करा रहे हैं। वहीं पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने जीआईएस कराने वाली कंपनी पर केस दर्ज कराने की मांग की है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद महापौर सुषमा खरकवाल ने सी न्यूज भारत के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। आज नगर निगम का सदन हंगामेदार रहा और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष लगातार हमला एक दूसरे पर बोलते रहे। हमारे साथ ममता चौधरी हैं। क्या मैडम, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ, आखिर अचानक इतनी लड़ाई की वजह क्या रही? देखिए, जब किसी ने मुद्दा नहीं उठाया पुष्टि का, तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले हाथ उठाया। मैं तब से हाथ उठाए एक शिष्टाचारित तरीके से, जैसे सदन चलता है। मैंने अपना हाथ उठा के प्रश्न पूछना चाहा। इसके बीच में लगातार पक्ष बोलता रहा, हम लोग चुप रहे। जब भी मैंने बात उठाने की कोशिश की, बड़ी अभद्रता से बीजेपी के कुछ पार्षदों ने बैठाया, चिल्लाया। इस तरीके से हम लोगों ने 16 साल में सदन नहीं देखा। और अगर महिला की आवाज़ दबाई जाएगी तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने मैम से यही कहा कि मैम, आप एक महिला मेयर है और महिलाओं का इस तरीके से तिरस्कार ये बर्दाश्त नहीं होगा। रामकी को लेकर के क्या कहना? बिल्कुल रामकी नहीं लागू होगा, नहीं दिया जाएगा रामकी को किसी कीमत पे सफाई व्यवस्था। डोर टू डोर कलेक्शन वो नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ऐसी क्या समस्या आ रही है कि रामकी को दूर भगाना चाहिए? जब कूड़ा ही नहीं उठ रहा है, जनता हमारी बहुत परेशान है। जब कूड़ा ही नहीं उठ रहा है, दो दो तीन तीन दिन कूड़ा पड़ा रहता है, राम की काम ही अपना नहीं कर रही है, तो उसको हम क्यों दे अपना पूरा? देखिए, महिला पार्षद हमारे साथ है। महिला पार्षद बात करने के लिए इनसे देखते हैं कि आखिर इन्होंने सदन में आप अपना समय दे रही हैं और कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए बात उठता है, तो आज वो कैसा मुद्दा रहा, कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसपे आपकी फाइट हो गई भारतीय जनता पार्टी? विपक्ष, जब भी हम विपक्ष आवाज उठाता है किसी मुद्दे को लेके, पक्ष उसको दबाने का प्रयास करता है। पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष जो है अपना मुद्दा उठा पाए। बीजेपी के कुछ पार्षद जो है विपक्ष को पूरी तरीके से, जिसमें महिला पार्षदों को एकदम अभद्र तरीके से बिठाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत बात है। सदन में अगर महिलाओं के साथ ये होगा तो आगे जो है बाहर हमारे साथ क्या होगा। अगर सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। हम लोग भी जनता के द्वारा चुन के आए हैं, जैसे आप आए हैं, विपक्ष आया है, वैसे विपक्ष भी आया है, तो ये तो गलत बात। ये नहीं लगता कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी जिसके लिए सदन में? यहाँ पे मुद्दों की बात होनी चाहिए,
हर पार्षद अपना मुद्दा लेके आया है, हर पार्षद अपना मुद्दा लेके आया है, अपने बात कहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मुद्दों की बात ना होके सिर्फ तू तू मैं होती है। जितनी देर सदन चला उतनी देर में क्या कुछ आपके प्रस्ताव मिल पाए? कुछ भी नहीं, हम लोग की तो बात ही नहीं सुनी गई। हम लोग खड़े होते हैं, वो बैठ जाओ करके अभद्र तरीके से बीजेपी के पार्षद बिठाने का प्रयास करते हैं। आज के दिन में सदन के में रह करके ये पक्ष जो है उसका एक ही मंशा है, कोई भी विकास कार्य पे कोई भी जो कार्य गलत करे उस पर कोई आवाज़ ना उठा सके, उनका एक ही चीज़ है। जैसे ही कोई अपनी बात रखता है सीवर को लेकर के तब भी वो बोलेंगे, कोई रखता है टैक्स वसूली ज़्यादा हो रही उस पर भी वही बोलेंगे, कोई अपनी बात रखता है राम जी किन मुद्दों को लेकर के आ जाते हैं। सबसे मेन मुद्दा है तो सीवर सफाई का, सीवर सफाई हमारे वार्ड का नहीं है। स्वेज कंपनी कर रही है, स्वेज कंपनी कर कहा रही है, वो तो कर ही नहीं पा रही है, इतना बेहाल कर दिया है, दो दो साल से लोगों के घरों के आगे बह रहा है। स्वेज तो ये दावा कर रहा है कि हमने सारे सीवर को बना दिया, कोई ऐसा सीवर नहीं जो बचा हुआ। बिल्कुल सही कह रहा है, वो कागजों पे बढ़ा रहे हैं, कागजों पे पैसा ले जा रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं, पार्षदों को गुमराह कर रहे हैं, जनता उसको झेल रही है, हकीकत ये है। बाकी वो कागजों पे कुछ कहे, जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं नागेंद्र सिंह चौहान जी, और लगातार एक विपक्ष की महिला आरोप लगा रही कि जैसे सदन में उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई तो आपने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, क्या ऐसा मुद्दा था, किस वजह से? वो महिला जो है गलत है और उनका कहना गलत है। मैंने शुरू शुरू में जब पुष्टि का बात कही गई थी तो मैंने उनसे कहा कि तीन प्रश्न मेरे हैं, मैं बोला और बोल के बैठ गया। फिर मुझे याद आया कि GSI वाले जो है उन्होंने बहुत घोटाला किया है जनता के साथ भी और नगर निगम के साथ भी। नगर निगम से उन्होंने सर्वे के लिए करोड़ों रुपए लिए और उसके बाद सर्वे ना कर पाने के पे उन्होंने पब्लिक से जो है जितने जो हमारे असेसमेंट जो थे वो सब गलत किए। जैसे अभी नगर महोदय ने कहा 4 लाख समथिंग असेसमेंट गलत किए, जिसकी महापौर जी और नगर जी समीक्षा करते हैं और असेसमेंट कम करते हैं, इससे नगर निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो मैंने वही पूछा नगर महोदय से कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप उन्होंने आपसे कहा कि साहब ये हम सर्वे किया है और उन्होंने उस सर्वे को गलत किया, तो उन्होंने गलत किया तो उन्होंने उसके बाद जब गलत निकला तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, 420 मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? उसी बीच में हमारी जो थी ममता चौधरी जी बीच में बोलने लगी, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप ना बोले हम बोले तो वो उनकी एक आदत है, अभी से ही पुरानी आदत है, शायद वो तीसरी या चौथी बार है, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। रैंकी और स्वेज को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ना तो रैंकी काम कर रहे ना स्वेज काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो स्वेज काम कर रहा है इस बार सफाई वाला कर रहा है, उनका जो है हमारे प्रशासन ने 3 महीना और बढ़ा दिया है कि वो डोर टू डोर कनेक्शन लें। डोर टू डोर कनेक्शन जब वो ले लेंगे और 100% कनेक्शन उनका सही हो जाएगा तो हम फिर उनको स्वीपिंग का काम देंगे। जब पूरा हमारा 110 पार्षद संतुष्ट हो जाएंगे उनसे तब उनको जो है स्वीपिंग काम हम देंगे सदन के माध्यम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी लाला लाजपत राय वार्ड के पार्षद हैं राघव राम तिवारी जी, आपने अभी एक सवाल उठाया था सदन में कि जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों का कमर्शियल यूज़ किया जाता है कभी कभी और उनको शादी या बारात या किसी ऐसे अनुष्ठान के लिए नहीं दिया जाता, इस पर आपने सवाल उठाया तो क्या जवाब मिला, क्या लगता है? अभी तो नगर आयुक्त जी के ने कहा है कि मैं जांच कराऊंगा, मेरा विद्यालय के लिए कोई ऐसा विषय नहीं, मेरे विद्यालय के लिए इतना विषय है कि अगर विद्यालय कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं या वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी का शुल्क लेते हैं, विवाह के लिए देते हैं, गेस्ट हाउस के लिए देते हैं, शादी करते हैं, मुंडन करते हैं, तो वो उस नियम के विरुद्ध है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे कमर्शियल टैक्स लिया जाना चाहिए, ये मेरा विषय था, नगर आयुक्त ने कहा जाँच कराएंगे। मेरा एक प्रश्न और था, इन्होंने टावर लगा रखे हैं, हमने विद्यालय को सरकार से लीज पर लिया था विद्यालय चलाने के लिए, उनमें हाउस टैक्स गेस्ट हाउस चलाने के लिए नहीं लिया था, बड़ी बड़ी कंपनियों के टावर लगा के अगर आप उनसे पैसा लेते हैं तो नगर निगम को भी टैक्स लेने का आपसे पूरा अधिकार है अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो। इस पर क्या संतुष्ट कोई जवाब कोई इस टाइप का? नगर आयुक्त जी ने कहा है कि मैं जांच करा के इस विषय को लूंगा और अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी करते पाए जाएंगे तो उनसे कमर्शियल टैक्स लिया जाएगा। रैंकी कंपनी और स्वेज दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं लखनऊ नगर निगम में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के, इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहना? मेरा एक प्रश्न है, मैंने अध्यक्ष महोदय से भी आज भी कहूँगा कि हम इस 50 लाख जो लखनऊ की आबादी है 50 लाख, इसको किसी बड़ी कंपनी के सहारे नहीं छोड़ सकते। जनता हमसे जवाब मांगती है, हम जनता से चुन कर आते हैं,
और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। तो किसी एक बड़ी कंपनी को हम लखनऊ की 50 लाख की आबादी को किसी कंपनी के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो पूर्व का जो हमारा अनुभव रहा वो बहुत ख़राब रहा, चाहे वो इको ग्रीन रही हो, चाहे वो ज्योति इन्वायरमेंट रही हो, चाहे आज की तारीख में ESL कंपनी है। ESL कंपनी के एक जोन में कहने को तो 10 टीम लगती है लेकिन काम करते सिर्फ 2 या 3 लोग दिखाई पड़ते हैं और वो पूरा पैसा लेती है। हम शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए कंपनी लाए थे लेकिन इन कंपनियों ने आकर शहर की व्यवस्था को और बेकार कर दिया। अगर नगर निगम का कर्मचारी, लाइट के कर्मचारी काम न करे तो ये सल आज की तारीख में पूरे लखनऊ शहर को अंधेरे में डाल देगी। मैं सदन में ये भी पूछूंगा कि ESL कंपनी का क्या करार है, ये किस जोन में कितने आदमी लगा के काम करा रहे हैं। आज भी हमारे नगर निगम का कर्मचारी काम कर रहा है, हमारे नगर निगम का कर्मचारी अगर लाइट का काम करना बंद कर देगा तो लखनऊ अंधेरे में हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनियों को हम MOU साइन करें, अच्छी बात है, मैं आधुनिकता का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को उनको उचित सुविधा मिलनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सीवर व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इन सवालों को उठा रहे हैं क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं वो मिलने चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पा रही। फिलहाल अगर सुवेज की बात की जाए और रैंकी कंपनी की बात की जाए तो इन दोनों कंपनियों के लिए लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों बातें उठा रहे हैं। आज नगर निगम सदन की बैठक हुई और उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर ने सभी समस्याओं को सुना। हालांकि जिस तरीके की सदन हुई कहीं ना कहीं हंगामेदार सदन रहा, फिर भी महापौर ने कई ऐसे प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। हम जानते हैं उनसे, मैम, आज जो सदन हुआ कहीं ना कहीं धमाकेदार सदन रहा, कई सारे पक्ष विपक्ष आपस में अपनी बातों को लेकर के वो प्रमुखता से देखते रहे। फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आज कौन से ऐसे मुद्दे रहे वो अहम जिनको आपके द्वारा निर्धारित किया गया? रैम की कंपनी अहम मुद्दा थी जिसके बारे में माननीय पार्षद जी ने कहा कि काम सही नहीं कर रही, तो हमने इसका समय बढ़ा दिया, 3 महीने और बढ़ा दिए हैं। उसके भी संसाधन अभी पूरे नहीं हैं, 750 गाड़ी उनकी हैं लखनऊ में और अभी 150 गाड़ियाँ और आ रही हैं, कुछ उनके कैप्सूल आ रहे हैं जिसको बनने में अभी टाइम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा समय और बढ़ा दिया है। लेकिन अभी डोर टू डोर कर रही है रैम की और अभी 70% से ऊपर हो गया, घर घर पहुंच रही है और मुझे लगता है कि 2 महीने में वो पूरा 90% डोर टू डोर कर लेगी। आज लगातार विपक्ष इस बात का हमला बोल रहा था कि जो कंपनी काम कर रही है वो लगातार घरों से कूड़ा डोर टू डोर तो कर रही है लेकिन वो कभी दूसरे दिन या तीसरे दिन अल्टरनेट डे करके आती है और उसके बाद झाड़ू भी लगाने का काम उनके पास नहीं, वो करते नहीं, तो उसके लिए क्या अजूलम? नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी रोज जा रही है, कंपनी ने अपना टोल नंबर, फ्री टोल नंबर भी दे रखा है, जैसे उस पर फ़ोन करती हूँ तो तुरंत कंपनी पहुँच भी जाती है। कई बार मैंने भी ट्रायल किया है, ऐसा नहीं है, और जब कंपनी के संसाधन आ जाएंगे तो झाड़ू भी कंपनी के हैंडओवर हो जाएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 व्यवस्था होने पे एक दूसरे पे आरोप लगाया जाता है। आज देखिए शहर में कहीं झाड़ू नहीं लग रहा है, शहर की स्थिति बहुत ख़राब है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ से ही आगे बहुत सारे संदेश देने पड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लखनऊ से एक अच्छा संदेश जाए, साफ सफाई में हम लोग 1 हों, पूरा प्रयास है, अधिकारी भी मदद कर रहे हैं, माननीय पार्षद भी मदद कर रहे हैं और जल्दी ही 2-3 महीने में रैमकी को पूरा शहर, पूरा शहर ने 5 जोन हैंडओवर हो जाएंगे। और मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ कि अगर काम नहीं करेगी तो जिस तरीके से इको ग्रीन को हटाए उसी तरीके से रैमकी को भी बाहर कर दिया जाएगा। सुवेज के लिए भी आज बहुत शिकायतें हुई सदन में, हल्ला बोल किया गया, उसके लिए क्या? सुवेज को सफाई के काम दिया है और अभी आज उनसे क्वेश्चन नहीं किया गया क्योंकि बोला है सोमवार को फिर सदन होगा, एक एक अधिकारी को मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर जिम्मेदारी है तो आपको काम करना ही होगा, नहीं तो घर बैठिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 88 ग्राम पंचायत जो शामिल हुए, 450 गाँव तकरीबन है उसमें, विस्तारित क्षेत्र है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं इसमें रही हैं? उनके लिए अलग से व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सृजन योजना से पैसा दिया है, वो रोडें बन रही हैं, उनके लिए लाइट की भी अलग व्यवस्था है, वो हम लोगों की जिम्मेदारी क्योंकि वो नगर निगम में आया है। हमारे यहाँ कम से कम 30-25-30 वार्ड तो ऐसे हैं जो पूर्ण विकसित है, लेकिन अभी वो वार्ड ऐसा है कि वहाँ अगर हम
20-25 करोड़ रुपया भी दें तो वो भी एक ऊँट के मुंह में जीरा, बड़ा समय लगेगा उस पर काम करने के लिए। मैं भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि कुछ पैसा दीजिए ताकि उस वार्ड का विकास हो। लेकिन मैम, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय शहर में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए लखनऊ को लोग चिढ़ाता हुआ कह रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी कूड़ा उठाने का मामला है वो कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर डंप रहता है, वो बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं संचारी रोग भी फैल रहा है और डेंगू का भी प्रकोप आने वाला, तो उसके लिए क्या आज बिंदु रहा? बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत जल्दी। अगली सदन की बैठक है, नगर निगम के अधिकारी भी इसमें लगे हैं। अभी हम लोगों ने सिवरी में कितना बड़ा काम किया है, आप तो गए हैं, कुछ काम करने में या परिवर्तन करने में समय लगता है। तो आज नगर निगम का सदन जो है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहा और सुबह से लेके लगातार नगर आयुक्त और महापौर यहां पर नगर निगम की सदन में उपस्थित रहे और यहां पर जो पार्षद थे यानी 110 पार्षदों ने लामबद्ध होकर के एकजुट होकर के शहर में साफ सफाई और कूड़े को लेकर के अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। हालांकि सदन में हंगामा होने के बाद कहीं ना कहीं सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो महापौर सुषमा खरकवाल ने ये बताया है कि कम से कम 25 लाइटें यानी जो नए विस्तारित एरिया हैं उनमें 25 लाइटों की व्यवस्था की गई है और हर जोन यानी हर वार्ड में 5-5 कर्मचारियों को और लगाया गया है। जो डेंगू को लेकर के व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसे में जो मुख्य अभियंता हैं अभियंत्रण विभाग के, उनको भी इस चीज़ को कहा गया है कि वो इलाके में जाके देखें, हर वार्ड में जहां जहां पर भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को भी भरने का काम वो लगातार करें, क्योंकि जिस तरीके से संचारी रोग और डेंगू को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएँ जो उत्पन्न होने वाली थी उस समस्याओं को लेकर के भी महापौर ने निर्देशित किया और नगर आयुक्त ने भी, जितनी भी समस्याएं पार्षदों की आई थी मौके पर उसका यहां पर नगर आयुक्त ने तत्काल जोनल अधिकारियों को भी बुला करके तत्काल उस जवाब को भी दाखिल कराया। फिलहाल सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।